हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदय तनेजा हूँ और मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज की हम वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पानी की जो वेस्टेज होती है घर में बाय ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और आरओ, तो उस पानी को हम बचा सकते हैं। क्योंकि भारत में जो है सिर्फ 20% पानी ही बचा और 80% जो है सूख गया। और भारत में जो है पानी के लिए कोई सख्त कानून नहीं है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में पानी की बहुत बड़ी क्राइसिस भारत में होने जा रही है। इसका एक कारण है कि भारत के लोग जो है अनएजुकेटेड हैं और ऊपर से पावर्टी बहुत ज़्यादा है, इनकी गरीब है, तो पानी की जो है बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि नहरों में जाते हैं, नहरों के पानी में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, तो पानी को दूषित करते हैं, शुद्ध पानी को। और भारत में कोई कानून सख्त ना होने के कारण जो है नदियों में फैक्ट्रियों का कचरा डाला जाता है और दूषित पानी से ही भारत में फिर खेती की सिंचाई होती है। और मैंने कई देखा है, हाई क्लास मिडिल क्लास के लोग आजकल एक वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, हाइजेनिक हाइजेनिक हाइजेनिक, हर एक चीज़ में हाइजेनिक। और उनको क्या पता कि जो सब्जी लेते हैं बाज़ार से उसको गलत ढंग से पकाया जाता है, फलों को कार्बोनेट से द्वारा और इलीगल केमिकल यूज़ किए जाते हैं, और जो सब्जी होती है उसको गंदे पानी से सींचा जाता है। तो क्या हाइजेनिक है? हमारा शरीर तो एक डस्टबिन है जिसमें कई प्रकार के केमिकल और पेस्टिसाइड धीरे धीरे इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो हम आज की वीडियो में बात करें कि पानी को कैसे सेव किया जाए, कैसे रिजर्व किया जाए। तो ये हमारे पास एक फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जिसमें कपड़े धो रहे हैं, तो उस पानी को जो है हम इस टब में स्टोर करेंगे। और ये पानी जो है आप जो आपका पोछा लगाते हैं उसमें आसानी से इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, वो काफ़ी ज़्यादा पानी वेस्ट करती है। अराउंड जैसे हमने इसमें यहाँ पर आपने देख रहे हो कि बाल्टी का लेवल 8 है, तो ये कम से कम एक बार में 30 से 40 लीटर पानी इसके अंदर आ जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन जो है पानी कितना वेस्ट करती है। ये सारी बाल्टियाँ जो है आराम से भर जाएंगी फॉर द वन वॉशिंग क्लॉथ, क्योंकि भारत में पानी की बहुत ज़्यादा क्राइसिस है और आने वाले टाइम में कंडीशन और बिगड़ेगी। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन का इस्तेमाल कम से कम करें, और यदि करना हो तो जो पानी निकले उसको छोटे छोटे टब में स्टोर कर लें, और ये पानी जो है आप पोछे मारने के लिए या घर की सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम आपको दूसरी ट्रिक बताते हैं। दूसरा, पानी की जो वेस्टेज होती है आजकल घरों में खासतौर पे मिडिल क्लास हाई लेवल की, वो है आरओ या आरओ प्लस यूवी फिल्टर में। तो ये हमारा एक आरओ वाटर फिल्टर है, तो इसका जो पानी आता है वो ऑटोमेटिकली नल से लेता रहता है और फिर ये पानी निकालता है। जब हम आरओ से फिल्टर करते हैं तो हार्ड पानी जो है इस पाइप से निकलता है, तो आप इस पानी को भी स्टोर कर सकते हैं थ्रू द सिंपल बाल्टी। तो इसमें जो भी पानी आएगा इस बाल्टी में कलेक्ट होता रहता है, और ये पानी जो है आप चाहे तो अपने घर की सफाई या बर्तन वॉश करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर आपके पास गार्डन है प्लांट है तो ये पानी आप डाल सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं कैसे काम करता है। हम यहाँ पहले पानी निकालते हैं और फिर आप देखेंगे कि यहाँ से आउटलेट से ये पानी निकल रहा है। ये जो है आपकी कम से कम दिन में एक दो बाल्टी आराम से भर जाती है, क्योंकि काफ़ी पानी जो है आरओ से निकलता है। तो ये कुछ हम आपको तरीके बता रहे थे, और आप चाहें तो आने वाले टाइम में हर एक घर में जो रेन का पानी आता है शुद्ध और साफ होता है उसको आप रिजर्व कर सकते हैं, किसी छोटी सी टंकी बनाकर अंडरग्राउंड उसको स्टोर कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में हर एक बिल्डिंग के लिए जो है रेन वाटर को रिजर्व करना एक कानूनी बाध्य हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा, कंपल्सरी हो जाएगा। अगर हमें पानी की बचत करनी है तो हमें ये कुछ स्टेप जरूर उठाने होंगे। अगर आप इसमें जागरूक नहीं होंगे तो आपको जो है पानी की हाई प्राइस पे करना पड़ सकता है। ये शुद्ध पानी जो है काफ़ी कीमती है और आने वाले टाइम में इसका क्राइसिस बढ़ता जाएगा भारत में। जिस तेजी से संख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है भारत में, उस तेजी से भारत के जो वाटर सोर्सेज हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए।
स्पिन करते हुए कपड़ों को ड्राई करते हुए ये आ रहा है। तो इस पानी में आप कब चाहे तो अपने कपड़े को दोबारा रिनाइज कर सकते हैं मैन्युअली हाथ से। आप चाहे तो इस पानी को आप अपने घर का पोछा या घर की सफाई में इस्तेमाल कर सकते। तो आप इस प्रकार जो है अपनी ऑटोमेटिक मशीन का पानी स्टोर कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी पानी आता है। तो आप डेली जो है अगर आप कपड़े धोते हैं, अगर हफ्ते में एक दो बार भी धोते हैं, तो आप कम से कम 40 से 50 ml पानी को रीयूज़ कर सकते हैं। और ये कंपलसरी भी होने वाला है आने वाले टाइम। पानी का क्राइसिस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो प्राइस है पर लीटर वाटर का, वो आप सोच सकते हैं कि 5 से 10 रुपये फिक्स हो जाएगा। तो आपको मजबूरी में आपको ऐसे पानी को स्टोर करना पड़ेगा। तो ये हमारे कुछ सुझाव थे, बहुत ही मायने रखेंगे आने वाले टाइम में। हर एक को ऐसा करना पड़ेगा या करना पड़ सकता है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स कीजिए जो आपकी डाउट्स हों। सड़कों में जाकर नारे लगाने या मुकर दान करने के लिए आप देश की सेवा कर सकते हैं घर में एक पानी बता दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए जो आपके डाउट्स हों।